हेलो व लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो एज यू ऑल नो हम लोग अब वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हर चैप्टर का वन शॉट बनाने वाली हूँ मैं दो चैप्टर्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ एक मैथ्स का एक साइंस का आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था तो आई थॉट कि आपको ये चीज चाहिए आपके लिए हेल्पफुल है तो क्यों ना एग्जाम से पहले सारे वन शार्ट कंप्लीट किए जाए ठीक है ऑल्सो ये जो रिविजन मैप यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैंने पहले भी मैंशन किया था दिस इज फ्रॉम द एडुकार फाइनल रिविजन बुक ये सभी चैप्टर्स के सभी चैप्टर्स का मतलब

नेचुरल नंबर हैं ये सब रियल नंबर है इंक्लूड कर दो होल बन गए ये भी रियल नंबर है देन इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सब आते हैं ये भी रियल नंबर है देन हमने बात करते हैं रैशनल नंबर्स की मतलब जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो ये भी सारे रियल नंबर है एंड अगर हम बात करें नंबर्स की तो वो भी सारे हमारे रियल नंबर्स है तो जितने भी नंबर्स है इस दुनिया में सब हमारे रियल नंबर्स है ठीक है जी चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एथमेटिक्स ठीक है इसको जूम कर लेते हैं बड़ी बेसिक सी चीज है लेकिन बड़ा ही डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है इसको लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ एवरी नंबर ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं एवरी कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं दो टाइप के नंबर पढ़े हैं हमने प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं जैसे कि टू अगर हम टू की बात करें टू किसी के टेबल में नहीं आता नंबर किसी के टेबल में नहीं आता फाइव नंबर किसी के टेबल में नहीं आता सेवन किसी के टेबल में नहीं आता थर्टीन है थीके? ये होते हैं हमारे प्राइम प्राइम नंबर्स ठीक है की क्या खासियत तो होती है कि जब हम इनके फैक्टर्स की बात करते हैं क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते सो इनका फैक्टर वन होता है क्योंकि वन के टेबल में तो सब आते हैं वन इंटू टू टू होता है तो वन के टेबल में तो सब आते हैं और ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं टू वन जो टू थ्री वन जी फाइव वन जो फाइव सेवन वन जो सेवन सो इनके जो फैक्टर्स होते हैं सिर्फ दो होते हैं एक वन और नंबर इट्स सिर्फ ठीक है so, सो ये होते हैं प्राइम नंबर अब इनके अलावा जितने भी नंबर्स है जैसे हमारा फोर हो गया नाइन हो गया सिक्स हो गया ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं इनकी क्या खासियत है कि इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स मतलब जैसे ये 1 और 2 था ना इसका तो इसके फैक्टर्स अगर मैं फोर के फैक्टर्स लिखूँ तो ये वन के टेबल में आता है वन इसका फैक्टर हो गया फोर अपने टेबल में भी आता है ये इसका फैक्टर हो गया और ये टू के टेबल में भी आता है सो so, मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो ये एक

Primes. so फैक्टर्स हम बनाते जो होते ना वो हमेशा क्या होंगे आप फोर के फैक्टर्स बना रहे हो सो वन हो गया एंड टू हो गया टू इन so, क्या है ये प्राइम नंबर ये फैक्टर थ्री है उसमें भी जाएंगे हम ठीक है सो so, मतलब इनको हम एक्सप्रेस कर सकते जैसे फोर को आई कैन राइट वन इंटू टू इंटू टू सो केस कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स वन बी प्राइम टू बी प्राइम टू बी प्राइम ठीक है डेन चलो एंड दिस अच्छा ये चीज मैंने अभी बोली ना वन बी प्राइम वन इज अक्सेप्शन बोल दो ना उसको प्राइम में काउंट करते हैं ना कॉम्पोजिट में काउंट करते हैं ठीक है जी सो वन इंटू टू इंटू टू नाउ एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड ये फैक्ट्राइजेशन एक यूनिक होता है हर नंबर का अलग होगा जैसे अगर मैं सिक्स की बात करूँ तो आई कैन राइट वन इंटू टू इंटू थ्री ठीक है फैक्टर्स कुछ ना कुछ चेंज हुए तो हर नंबर के जो ये फैक्टर्स होते हैं है, है, अपनी अलग होती है एंड अब इनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है आप अगर इसको थ्री इंटू टू इंटू वन लिखोगे तब भी वो सिक्स रहेगा टू इंटू वन इंटू थ्री लिखोगे तब भी वो सिक्स रहेगा तो किस ऑर्डर में है वो मैटर नहीं करता ठीक है सो ये होता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइज करना ठीक है जिसमें हमारे दो तरह के आएंगे एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक फैक्टर ट्री पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की सो so इधर ले आते हैं यहाँ पे चलो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं सब बात कर लेते हैं नाम में ही लिखा है प्राइम फैक्टराइज मतलब प्राइम नंबर्स फैक्टर्स है ठीक है दूस तरह से फैक्टराइज करना सो so, सबसे पहले एच सी एफ एच सी एफ क्या होता है मन फैक्टर आपके कोई भी नंबर दे दिए आपको दो नंबर दे दिए एंड उसमें आपका क्या हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में वो हमारा हो गया इन द नंबर सॉरी सो सिंपल वर्ड में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं जो है जो पढ़ रहे हैं ट्वेल्व और फिफ्टीन दे रखे चलो यही दे रखे इसी को ही कर लेते हैं ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या है इसको नीचे कर लेती हूँ आई होप ये दिख रहा हो टू इंटू टू इंटू थ्री टू टू फोर फोर थ्री क्या है थ्री so, यहाँ पे भी है थ्री यहाँ पे भी है सो so, इसका एच सी एफ हाइगेस्ट कॉमन फैक्टर थ्री है सो एच सी एफ आ गया थ्री आई होप दिस इज क्लियर बेसिक सा था जब हम एल सी एम की बात करते लीस्ट कॉमन मल्टीपल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो हम मल्टीपल की बात करते हैं एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है एच हमेशा छोटा नंबर होता है मतलब मैं जनरली बता रही हूँ ठीक है ना सो so, एलसीएम की जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर जब भी इसको करते हैं जैसे सिक्स और टेन एग्जाम्पल सेम ले रही हूँ इसको हम दो अलग अलग उसमें नहीं करते कि सिक्स को अलग से फैक्टर्स लिखे उसके और टेन के अलग से लिखे इसको हम साथ लेके चलते हैं कि सिक्स और टेन टू का टेबल है जिसमें सिक्स भी आता है सिक्स थ्री झा सॉरी टू थ्री झा सिक्स एंड टू फाइव टेन अब थ्री और फाइव दोनों ही प्राइम नंबर है पहले थ्री से कर लो वन आएगा और फाइव एज इट इज फिर फाइव से कर दो सो ये आ जाएगा सो so अब इनको मल्टीप्लाई कर लो टू थ्री जा थर्टी सो थर्टी इज द एल इसका मतलब क्या है दोनों के मतलब बताऊँ मैं जब हम एच की बात करते थ्री एच सी एफ आया दैट मीन्स ये जो ट्वेल्व है और जो फिफ्टीन है इन दोनों का ये कॉमन फैक्टर है ये थ्री 12 का फैक्टर भी है और 15 का फैक्टर भी है जब हम एलसीएम निकालते हैं जो 30 आया है इसका मतलब है ये 30 हमारा 6 के टेबल में भी आएगा 10 के टेबल में भी आएगा मत या फिर कह सकते हो 30 का एक फैक्टर 6 भी है और एक फैक्टर 10 भी है ठीक है क्लियर है चलो देन है फॉर्मूला यूज इसका ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं एल सी एम एच सी एफ अगर किसी दो नंबर का आपके पास एल सी एम एच सी एफ दोनों है उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दो नंबर का क्या होगा प्रोडक्ट होगा जैसे सिक्स और टेन का एल सी एम आया थर्टी इसी तरीके से सिक्स के फैक्टर्स लिख लो टू थ्री थ्री वन एंड टेन के फैक्टर्स लिख लो वी है दोनों में टू कॉमन है तो इसका एच सी एफ क्या हो गया 2 हो गया LCM हम पहले ही निकाल चुके हैं so इनका इनको एच सी एफ है टू एल सी एम है थर्टी थर्टी इंटू टू इज 60 आप जरा नंबर्स को मल्टीप्लाई करो कौन से नंबर्स थे सिक्स और टेन सो टेन इंटू सिक्स सिक्सटी समझ आया नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम सी एम इन टू हमेशा इक्वल होता है तो कितनी बार ऐसा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है या दो नंबर्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट निकल सकता है एलसीएम दे रखा है एच निकालो तो ऐसा नहीं करना कि नंबर्स के निकालो सिंपल प्रोडक्ट निकालो एल है एच निकल जाएगा या एच सी एफ गिवन है तो एल निकल जाएगा या दोनों गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर पूछ सकते हैं सो तो घुमा फिरा के इसमें पूछते रहते हैं ये आप अटैम्प्ट कर सकते हो तो ईजी होता है ठीक है <coughs> चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको रीड कर लेते हैं Prime factorization is a way of expressing a number. एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर प्राइम factorization एक ऐसा मेथड है जिससे हम नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ its प्राइम फैक्टर्स जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स है उसका प्रोडक्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखा टू इंटू टू इंटू थ्री है प्राइम नंबर इज नंबर दैट पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वन एंड द नंबर इट वही नंबर और वन का क्या है ये सारे factors, prime number, which means अगर मैं इसे समझाने के लिए लिख रही थी ना वन इंटू थ्री इंटू फाइव तो वन इंक्लूड नहीं करते बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर ठीक है ना ये प्राइम होता है ना ये कॉम्पोजिट होता है चलो मूविंग अड नेक्स्ट जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने वैसे ही होता है फैक्टर ट्री अब इसमें क्या होता है सो so, इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एंड यहाँ देखो फैक्टर ट्री में क्या करा जा, जाता है जैसे 110 है तो 110 को आई कैन राइट 10 11 तो मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए 10 और एक 11 10 11 क्या होता है हमारा वन टेन होता है अभी इलेवन तो प्राइम नंबर है तो ये तो फर्दर कनेक्ट कहीं भी नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि वो प्राइम नंबर है लेकिन टेन हमारा कॉम्पोजिट नंबर है टेन को फर्दर मैं लिख सकती हूँ टू इंटू फाइव तो मतलब इस तरह से इसको बढ़ाते जाना जब तक लास्ट के तीनों सर्कल्स हमारे प्राइम नहीं हो जाते तो इसको बोलते हैं हम ट्री सिंपल चलो एक और ले, ले लेते हैं जैसे है सिक्सटी ठीक है सिक्सटी को आगे मैं लेके जाऊं अगर तो आई कैन राइट सिक्स इंटू ठीक है कुछ गलत नहीं सिक्स टेन से सिक्सटी होता है अब सिक्स भी कॉम्पोजिट है टेन भी कॉम्पोजिट है सिक्स को फर्दर आई कैन राइट टू इंटू थ्री ठीक है जी एंड टेन को आई कैन राइट टू इंटू फाइव अब देखो जरा

अगर अंडर रूट फोर है तो अंडर रूट फोर टू का कंप्लीट स्क्वायर है टू इंटू टू फोर होता है मतलब आई कैन राइट इट एजर रूट में टू इंटू टू या वी कैन राइट अंडर रूट में टू का स्क्वायर स्क्वायर सो अंडर रूट गया तो ये तो टू आ गया सो अंडर रूट फोर का मतलब तो टू होता है तो ये हमारा इराशनल नंबर नहीं है ठीक है सो अंडर रूट में लेकिन अंदर जो नंबर होगा वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तभी वो हमारा इराशनल नंबर होगा ठीक है सो एक टाइप के ये होते हैं दूसरा होता है हमारा जो पाए होता है वो इराशनल होता है और एक टाइप के नंबर्स इस तरीके से होते हैं जैसे सिक्स जीरो सिक्स जीरो जीरो सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सो आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है सिक्स के साथ एक जीरो फिर दो जीरो फिर तीन जीरो तो ये इस टाइप से ये नंबर चलता जाएगा ठीक है तो ये भी हमारा इराशनल होता है बट उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए इस टॉपिक के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो क्वेश्चन आता ही आता है ज्यादातर मतलब यू विल बी लक्की अगर ये क्वेश्चन आ जाए सिंपल होता है क्योंकि ये कि आपको प्रूफ करना है रूट थ्री इज इेशनल या प्रूफ करना है रूट टू इशनल है कोई भी रूट में देखिए पूछ लेंगे प्रूफ करो कि इैशनल नंबर है या इसके साथ प्लस में कुछ डाल देंगे वो हमने क्वेश्चन कर रखे हैं so, सो प्रूफ करना कि नंबर इराशनल है तो ये पार्ट है जो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसे प्रूफ करते हैं ये भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो सच एज पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो मेक बेसिकली ये बोल रहे हैं ऐसा कोई भी नंबर जो राशनल नंबर नहीं होता वो हमारा इराशनल नंबर होता है ठीक है वो मैंने आपको समझा दिया आप बात करते हैं अगर आपके पास आएगा कि प्रूफ करो कि कोई नंबर इराशनल है तो आप कैसे करोगे तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ एक थ्योरम ध्यान रखनी होती है दैट इज इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर p डिवाइड a स्क्वायर अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है सो इट विल पी विल डिवाइड ए मतलब वो ए का भी फैक्टर होगा ठीक है है ये बस हमें थ्योरम याद करनी अब मैं यहां से नहीं जा रही मैं खुद आपको करके दिखा रही हूं जैसा हमने हर बार करते हैं सेम तरीके से क्योंकि एक स्टेप भी इधर उधर होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो तो जब भी आपको प्रूफ करना है जैसे यहाँ पे प्रूफ करना है रूट थ्री इेशनल है तो हम लेट कर लेंगे लेट रूट थ्री भी राशनल सो मतलब जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा मान लिया हमने कि चलो रूट थ्री बी रैशनल तो जी हमने मान लिया कि रूट थ्री एक रैशनल नंबर है तो अगर ये रूट थ्री रैशनल नंबर है सो आई कैन राइट रूट थ्री इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू ठीक है क्योंकि अगर फैक्टर भैया अगर ये हमारा रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो रूट थ्री शुड बी इक्वल टू पी बाई क्यू अब इसमें मैं क्यू को अगर उधर ले जाऊं तो रूट थ्री क्यू इक्वल्स टू ठीक है अब क्या स्टेप करना है हमें ये आपको अगर प्रैक्टिस करोगे ना टिप्स पे याद हो जाएंगे क्या क्या स्टेप किसके बात करना है? तो क्या होगा रूट और स्क्वायर तो कट जाएंगे तो ये आएगा थ्री साथ में क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सो दैट मीन्स थ्री जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है ठीक है ना इसको इधर कर लेते हैं और क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं थ्री डिवाइड पी स्क्वायर बेसिकली हम बोल रहे हैं थ्री पी स्क्वायर का फैक्टर है तो अगर थ्री पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्री डिवाइड पी ऑल्सो

अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फिर से स्क्वायर कर दो तो अगेन इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री सी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर अब थ्री सी का स्क्वायर क्या होगा थ्री का स्क्वायर नाइन और साथ में सी स्क्वायर इक्वल्स टू अब पी स्क्वायर की वैल्यू देखना हमारे पास क्या थी हमने यहाँ पे निकाली थी ना कि पी स्क्वायर हमारा होता है थ्री क्यू स्क्वायर ये निकाली थी अब यहाँ पे देखो थ्री से नाइन कैंसिल कर सकते ये आ जाएगा थ्री तो ये आ गया थ्री सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ये आ गया हमारे पास अब जैसे हमने ऊपर कहा था इसको फिर से मैं ऊपर करती हूं जैसे ऊपर होता तो सेम यहां पे भी बोल सकते हैं हम कि थ्री डिवाइड क्यू स्क्वायर विच मीन थ्री डिवाइड क्यू ऑल्सो So, uh, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि थ्री जो है वो पी का भी फैक्टर है और थ्री जो है क्यू का भी फैक्टर है लेकिन जब हम किसी नंबर को हम बोलते हैं कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो साथ में हम एक चीज और बोलते हैं दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स ये दो नंबर को प्राइम है मतलब इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता

P और Q को प्राइम्स होते तो एक नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता एक नंबर दोनों का फैक्टर नहीं हो सकता दैट रॉन्ग इस तरीके से आप लिख के इसको प्रूव कर सकते हो एंड विद दिस हमारा चैप्टर नंबर जो है रियल नंबर वो होता है सम अप एंड होता है कंप्लीट आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए बाकी क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कैसे सॉल्व करने हैं वो आप एक्सरसाइजेस से प्रैक्टिस कर सकते हो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट यूलो टेक केयर एंड बाई